एसओजी टीम सर्विस लांस टीम थाना ठठिया द्वारा दिनांक 13/12/2023 को एक्सप्रेसवे की सुरसी अंडरपास के निकट 32 वर्षीय महिला के सिर में चोट पहुंचाकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर देने की सनसनीखेज घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण। आरोपी सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद। दिनांक 13/12/2023 को एक्सप्रेसवे की सुरसी अंडरपास के निकट एक महिला का शव बरामद हुआ, जिसके संबंध में थाना ठठिया पर मुकदमा संख्या 455/2023 धारा 302 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया। उपरोक्त सनसनीखेज घटना के त्वरित अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक कन्नौज अमित कुमार आनंद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी तिरवा शिव प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में निरीक्षक अजय कुमार अवस्थी, प्रभारी निरीक्षक थाना ठठिया, उप निरीक्षक कमल भाटी, प्रभारी एसओजी में टीम लगाया गया। दिनांक 14/12/2023 को उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्तों को टीम द्वारा इत्र पार्क के पास खैर नगर जाने वाले रोड थाना क्षेत्र ठठिया जनपद कन्नौज से सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। घटना में अभियुक्त सुरेंद्र उपरोक्त में पूछताछ में बताया कि मृतका अनीता का पति रमेश सिरवा में सफाई कर्मी है। मेरा रमेश के घर आना जाना था। करीब 4 वर्ष पूर्व से मेरे व अनीता के मध्य संबंध थे। मृतका गृह कलेश के चलते पिछले 7 से 8 महीने से अपने पति से अलग रह रही थी। अनीता मुझ पर शादी करने का लगातार दबाव बना रही थी। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं शादी नहीं कर सकता था। वो मुझे झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाना चाहती थी और धमकी दे रही थी। इसी से परेशान होकर मैंने दिनांक 13/12/2023 को सुबह सुरसी अंडरपास के निकट डंडे से उसके सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को सुरसी अंडरपास के निकट छोड़कर भाग गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक कमल भाटी, प्रभारी एसओजी टीम, हेड कांस्टेबल कुलदीप यादव सर्विस लांस, हेड कांस्टेबल 196 सुधीर कुमार एसओजी, हेड कांस्टेबल 267 दुष्यंत यादव सर्विस लांस, कांस्टेबल 373 मनीष कुमार सिंह, कांस्टेबल 1120 गौरव कुमार, कांस्टेबल आदित्य सिंह, कांस्टेबल 687 शिवराज यादव सर्विस लांस, कांस्टेबल 501 विकास अग्रहरी की अहम भूमिका रही। कल 13 दिसंबर को सुरसी कट एक्सप्रेसवे के पास एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसमें इस महिला की पहचान कराने के लिए प्रयास किया गया। इसकी शिनाख्त अनीता जो थाना तिरवा के अंतर्गत रहने वाली थी के रूप में हुई। इसमें परिवारजनों की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचना के क्रम में आज अभियुक्त सुरेंद्र सनो बाबूलाल जो थाना तिरवा का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया है कि मृतका से ये पूर्व से 3 से 4 साल से जानकारी थी, उसके साथ संबंध में था और मृतका के अपने पति से भी संबंध अच्छे नहीं थे। पिछले 6-7 महीने से वो अलग रह रही थी और धीरे धीरे महिला ने इस पे शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया था। यह स्वयं भी शादीशुदा था, ये शादी नहीं करना चाहता था और जब इसने ज़्यादा दबाव बनाया तो कल इसने लगभग सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ये बाइक से इस महिला को सुरसीकट के पास वहाँ पे लाया था और डंडे से प्रहार करके इसको हत्या कारित की गई। इस अभियुक्त की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर एसओजी एवं थाना ठठिया पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इस घटनाक्रम में जो बाइक प्रयुक्त की गई थी उसकी भी बरामदगी की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।